नमस्कार भैया बहनों, लास्ट क्लास में हमने सीखा था फाइल कैसे बनानी है। मैंने एक फाइल बनवाई थी आपसे ज्योमेट्री की, ये है ज्योमेट्री ड्राइंग। आपको एक ही बुक लेनी है, इसी में डिज़ाइन आर्ट है और इसी में ज्योमेट्री आर्ट है और इसी में मेमोरी आर्ट भी है। ये गलत छपा हुआ है, मेमोरी आर्ट इसके अंदर है। तो आपको ये बुक लेनी है HM प्रकाशन की, इसी में तीनों बुक आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आज मैं आपको बताऊंगी ज्योमेट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि मैंने ज्योमेट्री की फाइल आपको बनवाई थी। इंट्रोडक्शन में है कि आप 9th में जो भी पढ़ा है वही सब है इसमें भी। आपको मेन जो ध्यान रखना है वो है ये जो तीन तरह की लाइन होती हैं, आउटलाइन, डैश लाइन और आंसर लाइन, इन तीनों की अलग अलग पेंसिल यूज़ करनी है। और पेंसिल मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको कोई लाइन दी गई है तो आपको ये HB पेंसिल यूज़ करनी है, और आपको जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क करना है वो 2H की पेंसिल से करना है, और जो आपकी आंसर लाइन आएगी वो 2B की पेंसिल से करनी है। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ कि इसके अंदर हम आकृतियाँ बनाते हैं, कुछ शेप बनाते हैं, जैसे सर्कल है, ट्रायंगल है, एंगल है, लाइन है, इन सब का आपको जानकारी होनी चाहिए, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आप एक पेज की आउटलाइन करेंगे इस तरह से, और उसके 3 पार्ट्स ऐसे डिवाइड करेंगे, और 3 पार्ट्स में इसको ऐसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहला है हमारा एक पॉइंट, कहीं पर भी ये आपको पॉइंट दिखेगा इसको हम पॉइंट्स बोलेंगे। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जो डिस्टेंस है उसको हम लाइन बोलते हैं। ये मैंने HB की पेंसिल से खींची है, ये गिवन लाइन है, इसको डॉटेड लाइन बोलते हैं। ये डैश 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 करके खींची गई है, ये 2H की पेंसिल से खींची गई है। फिर है आंसर लाइन, ये मैंने 2B की पेंसिल से खींची है। ये देखिए आप तीनों लाइन में अंतर दिखाई दे रहा होगा, ये कितनी बारीक है और बहुत लाइट है, ये डार्क है और थोड़ी सी मोटी है। उसके बाद है सर्कल। सर्कल में क्या क्या होता है, सबसे पहले इसका सेंटर जहाँ हमने कंपास रखा है, उसके बाद है जितनी हमने डिस्टेंस कंपास की नोक और पेंसिल में ली है उसको कहते हैं रेडियस। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। ये जो इसकी बाहर की जो गोलाई है इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस से जो सेंटर से होकर जाती है लाइन और दूसरी जगह सर्कमफ्रेंस से जाके मिलती है, इसको हम कहते हैं डायमीटर, और ये इसका सेंटर है। उसके बाद है सेमी सर्कल, ये सर्कल का हाफ होता है। एंगल, ट्रायंगल और स्क्वायर, ये जितने भी मैंने 9 पॉइंट्स बताए हैं आपको, ये 9 के 9 आप अपनी फाइल में एज इट इज़ बनाएंगे। थैंक यू।